वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 3 घंटे तक मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले हम आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को सुनाएंगे जो उन्होंने इस 3 घंटे तक चली मीटिंग के बाद दिया था, जिसमें स्पष्ट हो गया कि इस बैठक का क्या मतलब था, क्या मायने थे और भारत ने क्या जवाब दिया चीन को इस मुलाकात के जरिए से। यह बयान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ 3 घंटे तक चली बैठक के बाद दिया। 3 घंटे तक चली इस बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच के संबंधों से लेकर सीमा पर जारी तनाव और बाकी वैश्विक मुद्दे शामिल थे। दोनों विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान और यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात की, हालांकि ज्यादातर ये बातचीत दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर ही केंद्रित रही। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं और जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाते तब तक रिश्ते सामान्य हो भी नहीं सकते हैं। जयशंकर ने अपने बयान में अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिशें नहीं होनी चाहिए। डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व्ड विदाउट यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। Nor should there be attempts to unilaterally change the status quo. Where India and China are concerned, our relationship is best served by observing the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. जयशंकर ने बताया कि लद्दाख में कुछ इलाकों में बातचीत आगे बढ़ी है और कुछ जगहों पर टकराव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बातचीत में इस बात पर चर्चा हुई कि इस स्थिति को आगे कैसे ले जाया जाए। I would describe our current situation as work in progress, obviously at a slower pace than desirable. And my discussions with FM Wang Yi today were aimed at expediting that process. The impact of the tension in the border areas on the overall relationship has been visible in the last 2 years. This is only natural since peace and tranquility in the border areas have been the foundation of stable and cooperative ties. पाकिस्तान में वांग यी द्वारा कश्मीर पर दिए गए बयान पर भी जयशंकर ने आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन भारत को लेकर एक स्वतंत्र नीति अपनाएगा और किसी कीमत पर दूसरे देशों से प्रभावित नहीं होगा। चाइना वुड फॉलो एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट अलाउ इट्स पॉलिसीज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज एंड अदर रिलेशनशिप्स। गौर करने वाली बात यह है कि ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और भारत और चीन उन देशों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ वोटिंग करने की प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। हालांकि इन सब के बीच में भारत और चीन के बीच पिछले 2 साल में संबंध बहुत हद तक प्रभावित हुए और ऐसे में इस बैठक को और इस मुलाकात को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत का दायरा सिर्फ बोलने तक नहीं होना चाहिए, इसे अमल में भी लाना चाहिए। कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।